गर्भावस्था के दौरान बच्चा कब घूमना स्टार्ट करेगा, कब आप उसकी हरकतों को महसूस कर सकते हैं, ये एक ऐसा इमोशन है जिसके लिए हर कपल इंतजार करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहनाजारी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पलता हुआ शिशु जो है 12 हफ्ते पे हलचल स्टार्ट कर देता है, लेकिन 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने में आपको बच्चे की हलचल समझ में नहीं आती है, तो अक्सर ये दिमाग में आता है कि आखिर हम बच्चे की हलचल को कब महसूस कर सकते हैं। बच्चे के घूमने में और आपके उसको हलचल को महसूस करने में दोनों में अंतर। सोनोग्राफी में बच्चे की हलचल का पता हम 12 हफ्ते से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा किस तरीके से घूमेगा, आपको कब पता चलेगा, कितना पता चलेगा, कम या ज़्यादा कैसे, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंगी फैट यानी कि आपके पेट की चमड़ी कितनी ज़्यादा है। जो जितने ज़्यादा मोटे होते हैं उनको मूवमेंट पता लगने में उतना ज़्यादा समय लगता है और मूवमेंट्स हल्की पता चलती हैं। दुबले पतले लोगों को जल्दी मूवमेंट समझ में आती है और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट समझ में आएगी। प्लेसेंटा आवल की पोजीशन क्या है, अगर प्लेसेंटा इंटीरियर ही यानी कि बच्चे दाने की आगे की दीवार पर चिपका है तो ऑब्वियसली बच्चे की मूवमेंट्स पेट तक आएंगे, आपको समझ में आएंगी, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बशर्ते कि प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर। अंदर डेवलप होते हुए शिशु का वजन कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, वो भी बेबी मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। एम्नियोटिक फ्लूड अंदर जो पानी रहता है उसकी मात्रा कितनी है, अगर मात्रा कम होगी तो आपको मूवमेंट्स कम पता चलेंगी, अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो बच्चा उसमें ज़्यादा मूव कर सकता है, आपको ज़्यादा मूवमेंट समझ में आते हैं। तो अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, फर्स्ट टाइम मदर है, आपको बेबी मूवमेंट्स महसूस होने स्टार्ट होते हैं 5वें महीने पे या कभी कभी 6वें महीने की शुरुआत में यानी कि 22 to 24 वीक्स के आसपास। लेकिन अगर आप पहली माँ बन चुकी हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, जो हमारे पेट की मांसपेशियाँ होती हैं वो थोड़ी सी लूज हो चुकी होती हैं, ऐसे में बेबी मूवमेंट्स जल्दी समझ में आते हैं, कभी कभी तो 4थे महीने में या कभी कभी 5वें महीने पे, यानी कि रफली 16 to 20 वीक्स में आप अगर सेकेंड या थर्ड टाइम मदर बन रही हैं तो आपको बेबी मूवमेंट समझ में आने लग जाता है। जब आपको बेबी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले महसूस होते हैं बेबी मूवमेंट नाभि के नीचे, क्योंकि बच्चा जो है हमारे पेल्विस से ऊपर निकलते हुए पेट की तरफ आता है, तो नाभि के नीचे हल्की बबली मूवमेंट्स आपको जो है स्टार्ट हो सकती है। और जब आपको मूवमेंट्स पता लगना स्टार्ट होता है तो एक आदत जो आपको शुरू से डालनी चाहिए वो ये कि आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, उनसे काउंट करने की कोशिश करिए। तो जब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा फिर उस पैटर्न को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करिए, क्योंकि ये पैटर्न जो है आपके बच्चे की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर जो मैं एक सलाह देती हूँ फीमेल्स को कि आप खाना खाने के बाद आधे घंटे की वॉक करिए, वॉक करने के बाद आप 1 घंटा रेस्ट करिए। अब आपका भी पेट भरा हुआ है तो आपके बच्चे तक भी खाना पहुँच गया है, जब आप रेस्ट करते हैं तो बच्चेदानी के अंदर का जो पानी होता है वो भी एक रेस्टिंग मोड में आ जाता है और ऐसे में बच्चा मूवमेंट्स ज़्यादा करता है। उस 1 घंटे में आपका बच्चा कितना मूव कर रहा है उसको काउंट करना स्टार्ट करिए, नोट करना स्टार्ट करिए, और जैसे आपको अपने बच्चे का पैटर्न समझ में आने लग जाता है तो उसके बाद आप उसी पैटर्न को हर मील के बाद मॉनिटर करिए कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद आपका बच्चा 1 घंटे में कम से कम 4 मूवमेंट्स कर रहा था तो आज कहीं कम तो नहीं कर रहा है। अगर कम कर रहा है तो ये अलार्म है, आपको अपने डॉक्टर से जा कर के मिलना है। अगर ये कम से कम उतनी मूवमेंट कर रहा है या ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो भी फाइन है। इस तरीके से बेबी मूवमेंट्स को ट्रैक करके आप अपने बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बेबी मूवमेंट्स में ध्यान देने की है कि अगर कभी बेबी मूवमेंट्स आपको कम लग रहे हैं तो एकदम हड़बड़ाते हुए पैनिक मोड में आपको नहीं आने। अगर आप अपनी दिनचर्या को उस दिन देखें कि आपकी रूटीन की दिनचर्या से क्या वो अलग रही, अगर आप परेशान हैं, आप ज़्यादा मूवमेंट्स में हलचल में हैं तो आपके बच्चे तक भी वो परेशानी पहुँचती है, तो हो सकता है उस वजह से मूवमेंट्स कम हो रही है।
तो ऐसे में आपको कुछ खाना है, खासकर वो खाना जो आपको पसंद है। अगर मीठा खाएंगे तो और अच्छा है। इसके बाद आप अपने बेनी पे कुछ टिकलिंग करिए या बच्चे से कम्युनिकेट, बातचीत करने की कोशिश करिए। फिर आप एक घंटे का रेस्ट करिए। उस एक घंटे के रेस्ट के दौरान आप अपने हाथ को अपने बेनी पे सहना सकते हैं, बच्चे से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर आप देखिए कि उस एक घंटे में कम से कम 3-4 मूवमेंट्स हो रही हैं या नहीं। अगर इस एक घंटे के दौरान भी आपको बेबी मूवमेंट्स सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक नहीं लग रहे हैं, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जा करके चेकअप कराना है। यही पैटर्न, एक इंटरेस्टिंग सी बात से मैं इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगी, यही बच्चे का पैटर्न जो है पैदा होने के बाद भी बना है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद जो नवजात शिशु होता है उसको सुलाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको बाजू में लेकर के हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा आपके पेट में होता है, आप घूम फिर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चेदानी के अंदर जो पानी होता है जिसके अंदर बच्चा पनपता है, वो पानी की मूवमेंट्स चलती रहती है और बच्चे को एक वो झूले जैसा फीलिंग देकर बच्चा अंदर सो जाता। लेकिन जब आप खा पी करके रेस्ट करते हैं, बच्चे का पेट भरा हुआ रहता है, अब वो पानी रेस्टिंग मोड में आ गया तो बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो यही आदत उसकी पैदा होने के बाद बनी रहती है। जब आप बच्चे को सीधा सा सुलाते हैं तो उसे लगता है कि अब उसको मूवमेंट करनी है, तो उठ करके अपनी मूवमेंट करने लग जाते हैं, वो सोता नहीं। आप जब बच्चे को सुलाना चाहते हैं तो वही जो फ्लूइड का मूवमेंट, जो पालने जैसा मूवमेंट होता है, वो आपको बच्चे को देना रहता है ताकि बच्चा रेस्टिंग मोड में आए और सो जाए।